हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अनबॉक्स एचपी लैपटॉप। द स्पेसिफिकेशन वी विल डिस्कस आफ्टर अनबॉक्सिंग दिस। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। सो हियर वी हैव द आउटर बॉक्स। पैकिंग इज क्वाइट गुड। सो वी आर गोइंग टू कट दिस। तो जैसे ही हम फ्लिपकार्ट के बॉक्स से इसको अनबॉक्स करते हैं तो आपके सामने एचपी की स्टैंडर्ड पैकिंग का ये बॉक्स मिलता है आपको। जो मॉडल नंबर है इसका 15S DY2008TU। इसका प्रोसेसर है आपका 10th जनरेशन i5 10035G1। ठीक है, इसमें SSD है 256 GB की प्लस 1 TB की 1 TB इसके हार्ड ड्राइव है। ठीक है, विंडोज़ 10 इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। 3 सेल की बैटरी है, 8 GB की रैम है जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सटेंड, और 15.6 इंच का इसका HD LED डिस्प्ले है। ठीक है, तो अंदर से क्या इसका लुक है, चूँकि मैंने फ्लिपकार्ट से इसको परचेज किया है, इसके कोई रिव्यूज़ थे नहीं, तो विदाउट रिव्यूज़ मैंने एज पर स्पेसिफिकेशंस इसको परचेज किया है। MRP इसकी 61985.50 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, और इसका जो मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट है वो आपका जुलाई 2020, मतलब ये नया ही लैपटॉप जो है आया अभी। तो इसको अंदर से अनबॉक्स करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक डेल लैपटॉप है जिसके अंदर प्रोसेसर आपका i5 7th जनरेशन, और एक आपके पास है 10th जनरेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो दोनों में एक तो इसमें देखो, जो आपका HP का जो लैपटॉप है जिसमें SSD भी है, और ये है आपका डेल विदाउट SSD। बूट स्पीड की हम बात करें, दोनों को एक साथ बूट करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज़ द टाइम ऑफ बूटिंग। सो वी हैव स्टार्टेड बोथ एट द सेम टाइम, सो लेट्स चेक। द BIOS टाइम इन HP लैपटॉप इज 3.4 सेकेंड्स एंड इन दिस डेल लैपटॉप 11.1 सेकेंड। ऑल्दो द डेल लैपटॉप हैव मैनी एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यू कैन सी मैनी एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड द स्टार्टअप 11 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वेन वी इंस्टॉल सो मैनी एप्स इन ए लैपटॉप इट टेक्स मोर टाइम टू स्टार्टअप। So here we have Alexa, Realtek, HD Audio, Windows Security. These three startup apps are enabled, and in this we disabled all except the Cortana app. Okay. So this was the compare of BIOS boot time. Now we will see the specifications of laptop inside. You can see in the performance, you see. This is the CPU specifications. The CPU, that is the 10th generation i5 1035 GPU at the 1.0 gigahertz speed. The cache memory, you can see this is of L1 cache is 320 KB, and L3 this is 6 MB cache. Utilization is still there are no apps installed. Utilization will be less. This is a RAM memory. RAM memory is of 8 GB installed, but here we have only 7.8 GB available. This laptop has 2 SIM slots already available, but we used only one slot. One slot one. This is of 8 GB, 2667 MHz. This is the clock speed of RAM memory. Now you can see. The other specification like disk, this is the SSDs. So we have the SSD capacity of 239 GB. Company बताती है 256 GB, but available जो है आपके पास 239 GB. और disk जो आपके hard disk है, hard disk 1 TB में आपको 932 GB आपको available होता है। इसके अलावा Intel का जो अल्ट्रा HD ग्राफिक है, ग्राफिक कार्ड जो है इसमें इंटीग्रेटेड है। So we have two types of graphic card. One is integrated, one is dedicated. So dedicated graphic card is not available in this. We have integrated ultra. एक बार लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिलेगी, ईजिली यू कैन टाइप, आपका एक तरह से हैंडी जो है कीबोर्ड है।